मॉर्निंग। अच्छा आप लोगों ने कई बार फायर की ट्रेनिंग लिया होगा, लिया है? किसने नहीं लिया, हाथ उठाए। आपने कभी फायर की सख्ती की ट्रेनिंग नहीं लिया है? तो आज हम आपको बताएंगे बेसिक। जैसे आपने ये तो सुना होगा फायर सेफ्टी, सुना है कि नहीं सुना है? जैसे कहीं पर भी आग लग जाती है तो हम उसके लिए बचाव क्या करते हैं ना? आग क्यों लगती है? इधर आ जाओ। सबसे पहला चीज ये सोचने वाली बात है कि आग लगती क्यों है। समझ में आ गया? आग क्यों लगती है? आप जानते हैं पूरे करकट में आग लग जाती है। कोई भी ऐसा जहाँ पे पूरा हाउस कीपिंग रहता है, जहाँ पे पूरे गड्ढे या ऐसा कुछ चीजें हैं जहाँ पे प्रॉपर सामान वगैरह व्यवस्थित तरीके से नहीं है, वहाँ पे आग लगने की चांस ज्यादा होता है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आग क्यों लगती है। तो आग लगने के कारण है तीन। कितने कारण है? पहला कारण है आग लगने के लिए क्या चाहिए? ईंधन। क्या चाहिए? आग लगने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन रहेगा तभी आग लगेगा। समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आग लग सकती है वो क्या है? ईंधन है। समझ में आ गया? ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आग लग सकती है वो एक ईंधन है। अब उसको ईंधन को जलने के लिए क्या चाहिए? हवा। क्या चाहिए? उसको एक बोतल में बंद कर देंगे तो आग नहीं लगेगा। समझ में आ गया? उसको आग लगने के लिए उसके आसपास ऑक्सीजन भी होना चाहिए, जो ऑक्सीजन हम आप लेते हैं। समझ में आ गया? जितना ही ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही ज्यादा आग पकड़ेगा या फैलेगा। समझ में आ गया? तो आग लगने के लिए क्या चाहिए? दूसरा चीज ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तीसरा चीज होता है उचित तापमान। क्या चाहिए? जैसे मैं एक टी शर्ट पहन रखा हूँ, बढ़िया है। तो इसमें भी आग लग सकती कि नहीं लग सकती? क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आग लग सकती है, यह एक ईंधन है। समझ में आ गया? अब इसको जलने के लिए हवा भी है और तापमान भी है। क्या है? तापमान है कि नहीं है? लेकिन उचित तापमान नहीं है। क्या नहीं है? इस टी शर्ट को जलने के लिए क्या चाहिए? उचित तापमान। क्लियर है? तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि उचित तापमान के लिए किसी टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। समझ में आ गया? तो आग लग जाती है। अब कोई भी वस्तु जलने के लिए वहां पे किसी कारण उचित तापमान मिल जाएगा तो आग लग जाएगा। समझ में आ गया? तो आग लगने के कितने तरीके है? पहला क्या है? ईंधन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? उचित तापमान। आग लग गई, आग को बुझाने के लिए भी तीन ही तरीके हैं। कितने तरीके हैं? आग बुझाने के कितने तरीके हैं? पहला किस कारणों से आग लगा था? ईंधन के चलते। इसीलिए आग बुझाने के लिए पहला कारण है आग को भूखा मारना। क्या? आग को भूखा मारना, मतलब जो ईंधन उसको मिला था हम ऐसा क्या करें कि उसको वो ईंधन मिले ही ना। समझ में आ गया? जैसे कहीं किसी वस्तु में आग लग गई हो, उसके अगल बगल और भी जलने वाला मटेरियल होता है कि नहीं होता है, उसको आप क्या करो वहां से हटा दो, ताकि जिस मटेरियल में आग लगा है उतना ही जल के खत्म हो जाए। उसको बोलते हैं आग को भूखा मारना। क्लियर है? वीडियो बंद करके फिर चालू करना, ब्लूटूथ बंद कर दो। क्या बताया? आग को भूखा मारना। दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, आग लगने के लिए क्या चाहिए था? हवा। समझ में आ गया? तो दूसरा तरीका है आग का गला घोटना। क्या? तो मैं दूर से तो बोल सकता हूँ, आग का
गला घोटना, मतलब जो आग जिस वस्तु में लग गई है उसका गला घोटना। गला कैसे घोटोगे? मतलब जिस वस्तु में आग लग गई है, समझ में आ गया? जिस वस्तु में आग लग गई है हम उसको क्या करेंगे, किसी वस्तु से ढक देंगे, मतलब ऑक्सीजन को कट कर देंगे। क्लियर है? ऑक्सीजन को क्या करेंगे? और थोड़ा आप इनको इधर खड़ा कर लो। समझ में आ गया? क्या बताया था मैंने? आग का गला घोटना, जिस वस्तु में आग लग गई हम क्या करेंगे उसको, किसी वस्तु से कवर कर देंगे। समझ में आ गया? तीसरा जो होता है आग, मैंने क्या कारण बताया, तीसरा आग लगने के लिए क्या चाहिए, उचित तापमान। तो आग बुझाने के लिए क्या करेंगे हम, आग को ठंडा करना, क्या करना, जिस वस्तु में आग लग गई है हम उसको ठंडा कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। ठंडा कैसे करेंगे? पानी डाल देंगे, आग ठंडा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आग लगने के कितने कारण है? तीन। आग बुझने के कितने कारण है? कितने कारण है? तीन। अच्छा, अब मोबाइल है ना, दो चार फोटो का। अब मैं बताऊंगा कि हर वस्तु, जो जलने वाली जो वस्तु है जिसको हम ईंधन बोलते हैं, वो कई प्रकार का होता है। कोई तेल के प्रकार में होता है, कोई लकड़ी के प्रकार में होता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझ में आ गया? कोई ऐसी वस्तु है जैसे गैस हो गया, वो भी ईंधन है। समझ में आ गया? तो उसको बुझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि गैस में आग लग गया हम उस पर पानी डाल देंगे आग बुझ जाएगा, नहीं बुझ सकता, बुझ जाएगा। तेल में आग लग गया हम उसके ऊपर कंबल फेंक देंगे, बुझ जाएगा। सबका तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आग को मुख्य चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? आग को कितने भागों में बांटा गया है? चार। पहला है साधारण आग, जिसको बोलते हैं क्लास ए, जिसको हम बोलते हैं ठोस पदार्थ की आग। कौन सा? जो जलने के बाद राख छोड़ता है। क्या छोड़ता है? मतलब लोहा बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ की आग का मतलब कई लोग सोच रहे होंगे लोहा। समझ में आ गया? लोहा ठोस पदार्थ की आग नहीं है, आग के अंदर वो ठोस पदार्थ नहीं रहता। समझ में आ गया? कोई भी मेटल जो होता है, धातु, आग के अंदर जाने के बाद वो पिघल जाता है। क्लियर है? तो आग जो पहला क्लास है ए, ठोस पदार्थ की आग जो जलने के बाद राख छोड़ता है। समझ में आ गया? जैसे क्या ऐसी वस्तु है जो जलने के बाद राख छोड़ता है? बहुत सारे ऐसी मटेरियल है, गत्ता हो गया, पुआल हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, रबड़, बहुत सारे ऐसी मटेरियल है जो जलने के बाद राख छोड़ता है। कौन सी क्लास में आता है? उस आग को बुझाने के लिए हम किस विधि से आग को बुझाएंगे? ठंडा करके। कैसे? उसके अंदर पानी हम डाल देंगे, वो पानी को सोख लेगा और आग बुझ जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा विधि है, हम उसको गला घोट के आग को बुझा सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक गला घोटना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि वो आग जो है गर्म होता है, हम उसको किसी गैस के द्वारा गला घोटेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए गला घोटेंगे, फिर दोबारा वहाँ हवा आएगा, फिर आग लग जाएगा। तो उसको आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ठंडा करना। एक क्लास की आग को सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठंडा करना। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है आग को भूखा मारना। क्या? भूखा मारना। एक क्लास की आग को आप भूखा मार सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आता है क्लास बी। कौन सी क्लास? क्लास बी में आता है तरल पदार्थ की आग। कौन सी आग? तेल की आग। कौन सा? ये तरल पदार्थ में बस तेल ही नहीं आते हैं, तरल पदार्थ में एल्कोहल आते हैं, स्प्रिट आते हैं, तेल भी आता है, और भी जो ज्वलनशील मटेरियल है जो तरल पदार्थ के रूप में होता है जिसमें आग लग सकती है। कौन सी क्लास में आता है? बी क्लास। समझ में आ गया? अब बी क्लास की आग को कैसे बुझाएंगे?
बी क्लास की आग को ठंडा करके बुझाया जा सकता है। अब बी क्लास की आग को क्या होता है कि बहुत जैसे बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो गला सबसे पहले क्या करता है, उस आग को कवर करता है, दम घोटता है, मतलब आग का गला घोटता है, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा भी करता है। समझ में आ गया? तो हम उसको कहेंगे बी क्लास की आग को गला घोट के बुझाया जाता है। गला कैसे घोटेंगे? क्या अगल बगल का, अगल बगल का गला घोट तो जाएगा। देखो बी क्लास की आग के ऊपर किसी चीज से ढक देना। अब बी क्लास में क्या ऐसी मटेरियल है, मतलब तरल पदार्थ की आग है, तेल की आग। कौन सी आग? तेल की आग। तेल की आग में अगर आग लग गई, तेल में आग लग गई, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर खाग डाल देंगे। खाग समझते हो? खाग फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसको इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, कवर हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे फायर ब्लैंकेट होता है, मतलब नहीं जलने वाला एक मटेरियल आता है, समझ में आ गया, उसको हम ढक देंगे तब भी आग बुझ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो छोटी कढ़ाई में कहीं कोई चीज आग लग गई है, तो कंबल भिगो के भी हम उसको ढकेंगे बुझ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि कंबल उसी कढ़ाई में ना चला जाए, तो कंबल भी जल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम और भी ठंडा करके भी बुझाते हैं। जैसे कुछ तेल की, जैसे तेल अलग चीज हो गया, जैसे कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है? पानी के अंदर घुल जाता है। तेल पानी के अंदर घुलता है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। नहीं, उसको पानी से हम नहीं बुझा सकते। लेकिन कुछ मटेरियल जैसे स्प्रिट हो गया, एल्कोहल हो गया, ये पानी के अंदर घुल जाता है, उसको हम पानी से भी बुझा सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ? उसके बाद आता है क्लास सी। कौन सा क्लास? क्लास सी में आता है गैस की आग। कौन सी आग? ज्वलनशील गैस की आग। गैस तो बहुत है, आप भी जानते होंगे, लेकिन चलने वाली गैस। कौन सी गैस? चलने वाली गैस कौन सी क्लास में आती है? सी क्लास में। सी क्लास को आग को बुझाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, आग को ठंडा करके बुझाया साथ जा सकता है। हाँ, कौन बोला? बर्फ लगा दो उसको, पानी डाल दोगे? गैस की आग के ऊपर कभी भी पानी डालोगे तो गैस हमेशा ऊपर की तरफ आता है। क्लियर है? तो गैस की आग पानी से नहीं बुझेगा। तो गैस की आग को बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, उस आग का गला घोटना है। क्या करना है? गला घोटना है। तो मान लीजिए एक LPG सिलेंडर के अंदर आग लग गई। मान लीजिए एक LPG सिलेंडर है, मान लीजिए आ गया, आप इसमें कहीं आग लग गई, तो अपना क्या करे, घर में कंबल होता है, क्या होता है, कंबल को ऐसे पानी के अंदर भिगो लो। क्या करो? पानी के अंदर भिगो लो और इसके ऊपर, इसको पानी के अंदर भिगो लोगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो फिल्टर होते हैं, इसके अंदर जो छिद्र होते हैं ना, वो पानी से क्या होगा, पैक हो जाएगा और ये हो जाएगा गीला, और ये हवा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद सिलेंडर को आप बाहर कर दो। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो, कौन सा, CO2 टाइप, मतलब गैस फेंकने वाला ऐसी गैस जो आग को बुझाने वाला जो गैस होता है, जो उसका दम घोट दे, ऑक्सीजन को हटाने वाला गैस। कौन सा गैस? ऑक्सीजन को हटाने वाला, जैसे CO2 हो गया, बहुत सारी गैस है जो ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दे। आ गया, क्लीन एजेंट गैस हो गया, बहुत सारे आजकल गैस आ रहे हैं, तो हमारे पास ज्यादातर CO2 होता है, सबसे अच्छा है यहाँ पे। समझ में आ गया? CO2 टाइप जब फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके जगह पहुंचेगा और वहाँ का ऑक्सीजन हट जाएगा। समझ में आ गया? और इसका गला घुट जाएगा। समझ में आ गया है कि नहीं? दूसरा ये हो गया, और उसको क्या करो, उस
आग को कहीं, मतलब उस गैस को कहीं ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ पे उसका गैस ओपन एरिया में निकल जाए, हो सके तो उसको बंद करने की कोशिश करो। क्लियर है? तीसरा है क्लास डी। कौन सा? क्लास क्लास डी। क्लास डी में आता है धातु की आग। कौन सी आग? वो धातु ज्वलनशील धातु जिसमें मैग्नीशियम पोटेशियम एल्युमिनियम बहुत सारे ऐसी धातु होता है, जैसे मैंने बताया था कोई भी चीज जलने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होता है। किसी वस्तु को कम तापमान चाहिए, किसी वस्तु को ज्यादा तापमान चाहिए। जैसे पेट्रोल में आग लग जाए तो उसको कम तापमान में पेट्रोल में आग लग जाएगा, एक कागज में आग लगाना हो तो कम तापमान में आग लग जाएगा, पतली लकड़ी में आग लगाना हो तो कम तापमान में लग जाएगा, लेकिन मोटी लकड़ी में आग लगाना हो तो उसको हमें ज्यादा तापमान देना पड़ता है। हर एक वस्तु का अलग अलग तापमान होता है जिस तापमान में वो आग जल जाए। सुन में आ गया? इसीलिए धातु के लिए भी बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, उसको 2000 डिग्री सेल्सियस मान सकते। कितना? 2000। अलग अलग धातु का अलग अलग तापमान। जब उस धातु के अंदर आग लग जाती वो धातु हमारे शरीर में आग नहीं लगे। सुन में आ गया? वो ऐसी जगह आग लग जाती है जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको गलाया जाता है, उसको ढाला जाता है। सुन में आ गया? वहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दिया जाता है तो अपने आप को जलाने लगता है। समझ में आ गया? उसके अंदर इतना ज्यादा तापमान होता है कि वो सारे धातु जो एल्युमिनियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो बताया था वो जलने लगेगा। तो उसको आग को बुझाने के लिए पानी डालोगे तो विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पानी एक खुद ज्वलनशील मटेरियल है। क्या है? पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। लेकिन पानी बना किस चीज से है? पानी किस चीज से बना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर बना है ना पानी। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन क्या होता है? आग जलाने में मदद करता है। और हाइड्रोजन गैस खुद ज्वलनशील गैस। क्लियर है? तो मान लीजिए नॉर्मल आग होता है, वहां पे हम पानी डालते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा एक कढ़ाई के अंदर बहुत गर्म तेल है, बहुत गर्म तेल, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो आग भड़क जाती है। देखे हो कि नहीं? देखे हो? तो क्या होता है कि जैसे ही वो पानी जाता है तुरंत भाप में बन जाता है। पानी डालते ही क्या होता है? भाप में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऑक्सीजन। समझ में आ गया? वो क्या करता है? आग को और बढ़ा देता है। तो पानी का इस्तेमाल तेल के आग पे नहीं करना है और धातु की आग पे नहीं करना। क्लियर है? क्लास ए में कौन सी आग आती है? क्लास बी में कौन सी आग आती है? क्लास सी में कौन सी आग आती है? क्लास डी में कौन सी आग आती है? एक आता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। कौन सा? उसको किसी क्लास में नहीं रखा गया है, लेकिन आग को लगने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, उसको एक तापमान मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कोई उस वायर के ऊपर ओवरलोड हुआ, किसी भी कारण उसमें अगर गर्मी पैदा होती है, उस केबल के ऊपर इंसुलेशन किस चीज से होता है? प्लास्टिक का होता है, या फिर उसके अगल बगल जो वस्तु है लकड़ी हो गया उसमें आग पकड़ लेता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट को आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए आपको? पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका पानी का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब मेन पावर सप्लाई बंद हो जाए। फोन में आ गया? डायरेक्ट अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आग तो बुझ जाएगा लेकिन आप भी बुझ जाओगे। फोन में आ गया? तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करना है जिससे कि आग बुझ जाए, जैसे कि ड्राई केमिकल पाउडर। क्या? ड्राई केमिकल पाउडर जाएगा, उसको क्या होता है, वो आपको करंट भी नहीं लगेगा और आग बुझ जाएगा। आप उसको CO2 गैस टाइप जो गैस होता है उससे भी आग को बुझा सकते हैं। क्लियर है? या फिर किसी लकड़ी का एक बीटर से पीट के भी बुझा सकते हैं। रहे? जब बड़ी आग लग जाती है तो मेन पावर सप्लाई काट के हम पानी से भी बुझाते हैं।